अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आज 8 mm का 98 बरेटा 32 बोर रिवॉल्वर और इसके बुलेट के बारे में मुकम्मल आगाही देंगे इंशाल्लाह। और शुरू करते हैं 8 mm से। यह है 8 mm। ये है 8 mm, ये है क्लैशन शेप में 8 mm और ये बेहतर बहुत बेहतरीन है। और ये ऑटोमेटिक वन प्लस एक फायर करता है और इसके मैगजीन में 20 बुलेट आते हैं और ये ऑटोमेटिक है। इसका एक बार लोड किया तो पर एक एक फायर करेगा। और 8 mm में जो ओरिजिनल होते हैं उसमें ऐसा होता है कि जो पुराने होते हैं ना, ये तो पाकिस्तानी मेड है, उसमें ऐसा होता है कि उसे बार बार लोड करना पड़ता है और वो उसका शेप भी अलग इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। और ये है क्लाशिंग शेप में 8 mm। इसका रेंज बहुत ज़्यादा होता है। ये इसमें दूरबीन का चीज भी लगा हुआ है, इस पर दूरबीन भी फिट हो सकता है। ये शिकार वगैरह के लिए, सुअरों का शिकार वगैरह, इसके लिए बहुत बेहतरीन है और इसका पावर बहुत बेमिसाल है। तो इस पर फायर वगैरह करेंगे, फिर चेक करेंगे इंशाल्लाह कि कैसा। इसके बाद ये है कार 98। ये है कार 98। ये चाइनीज शेप में है और इसमें 5 राउंड आते हैं। यहाँ से इससे यहाँ से डाला जाता है इसमें सिंपली। और इसका पावर भी बहुत ज़्यादा होता है। ये 1.7 की गोलियाँ खाता है। इसमें जो रशियन होते हैं वो उसके अपने बुलेट आते हैं, चाइनीज जो होते हैं ये 1.7 की बुलेट खाते हैं। और इसका रेंज भी बहुत ज़्यादा होता है और ये मैंने शौकिया तौर पर रखा है। ये मैंने लिया था, किसी के पास पड़ा था तो मैंने लिया। तो इस पर भी फायर करेंगे इंशाल्लाह और इसका पावर चेक करेंगे। और ये बहुत अभी ये ख़त्म हो चुकी है तकरीबन, बस इसका लोग शौक नहीं करते। पबजी में कार 98 लोग देखते हैं तो वरना ये लोग भूल चुके थे इसे, कुछ ही लोग इसके बारे में जानते हैं। अभी ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ये है ब्रेटा, M9 9mm, A+ काफी है। 40-41 का बैरल है इसमें। और ये जो है ये भी 40-41 का, बाकी 10-45 का है निचले वाला जो हिस्सा है। और इसका अभी ये देखिए, इसमें इंग्लिश स्टाइल लगा हुआ है और ये आवाज़। और ये इसका बेल क्रोम किया हुआ है और बहुत बेहतरीन पिस्तौल है, डबल एक्शन है। और इसके लाख बहुत बेहतरीन होते हैं, ऐसा लाख लगाया जाता है। तो इधर इसमें एक चीज़ होता है जो ऊपर जाता है और बहुत बेहतरीन पिस्तौल है। इस पर हमने बहुत फायर किए थे, 170 तक फायर किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मिसिंग वगैरह ये मसले हैं नहीं करती, बहुत बेहतरीन पिस्तौल है। इसके मैगजीन में 17 शॉट आते हैं, 17 शॉट मैगजीन है इसके। लेकिन इसमें
14 ही बुलेट ही डालनी चाहिए, क्योंकि इसका स्प्रिंग जो है ना वो ख़राब हो जाता है अक्सर ज़्यादा डालने से। और ओरिजिनल में अगर डाला जाए तो मसला नहीं रहता, लेकिन ये लोकल है तो इसमें फिर ये मसला करता है। तो बहुत ही बेहतरीन पिस्तौल है, इंशाल्लाह इस पर टारगेट भी मारेंगे इंशाल्लाह, और फायर भी करेंगे मज़ीद, तो देखेंगे इंशाल्लाह। ये है 32 बोर रिवॉल्वर, मेरी फेवरेट। ये मेरे बाप और दादा और चाचा ने इस्तेमाल की है और बहुत बेहतरीन पिस्तौल है ये। इसके ओरिजिनल बुलेट इसकी इस्तेमाल करनी चाहिए, लोकल बुलेट तो इसके बैरल में ही बच जाता है। और इसके बारे में तो पर मैंने फायर किए हैं अपने दूसरे चैनल टारगेट शूटर पर, और बहुत ही बेहतरीन पिस्तौल है। अब आते हैं बुलेट्स पर, तो ये है 8 mm के रशियन बुलेट्स। इसका मार्केट रेट अभी यूट्यूब तकरीबन 120 रुपये पर दाना मिलता है। ओरिजिनल बुलेट है, इसका रेंज बहुत ज़्यादा होता है, तकरीबन 1.7 के से बहुत ज़्यादा होता है। और ये शिकार के लिए, सुअर के शिकार के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये मेरे पिस्तौल के साथ और मैगजीन जो दो इसके साथ आते हैं, और हमने इसके साथ 3 एक्स्ट्रा मंगवाए थे। ये 30 राउंड और इसके 17 सेट आते हैं। अभी आते हैं बुलेट, ये 9 mm के बुलेट लोकल में सबसे अच्छे बुलेट हैं, और इस पर फायर करेंगे इंशाल्लाह। ये है 30 बोर के बुलेट, इंशाल्लाह इस पर भी फायर करेंगे, टारगेट वगैरह मारेंगे। कि मैं तो कहता हूँ यही बस फायर के लिए ही बुलेट यूज़ करनी चाहिए,